चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की बात करने वाले हैं। वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। यस, तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से सहारनपुर मंडल के कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अलग हो चुके हैं। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, जो कि सहारनपुर मंडल यानी कि सहारनपुर जिला, शामली और मुजफ्फरनगर जिले के जितने छात्र छात्राएँ हैं वो माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से जोड़ दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स सीसीएस यूनिवर्सिटी से कम हो गए हैं, फिर भी सूचना विभाग से जवाब न मिलने से स्टूडेंट्स परेशान हैं और रजिस्ट्रार कार्यालय में अब तक पहुँच चुकी है 108 शिकायतें। यानी कि इतने कम स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी सीसीएसयू पर कम लोड है, लेकिन फिर भी सूचना विभाग से कोई जवाब नहीं मिलता है। 3-4 महीने से स्टूडेंट्स परेशान हैं, अपने आरटीआई के द्वारा अपनी सूचना को मांगते हैं, लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं आता है। तो यहां पर इस कटिंग के माध्यम से बहुत से छात्रों ने अपनी पीड़ा को जाहिर किया है कि पिछले एक साल से मैंने अपनी कॉपी की बारे में जो है सूचना मांगी थी जन सूचना के द्वारा, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला है। यानी कि एक साल पुराने तक भी कोई भी जवाब अभी तक सीसीएस यूनिवर्सिटी यानी कि सूचना विभाग ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। कहते हैं कि आरटीआई का जवाब देना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी का गोपनीय विभाग अभी तक यानी कि सूचना विभाग कोई भी जवाब नहीं दे पाया है। तो ऐसे में सूचना विभाग क्यों जवाब नहीं दे पा रहा है, ये बड़ी समस्या है। एक साल से आरटीआई का इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट्स। आपको बता दूं कि 180 शिकायतें ऐसी पहुंची है जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला है। रजिस्ट्रार धीरेंद्र कुमार ने बताया है कि कुछ शिकायतें मिली है, उनकी जांच कराई जा रही है और विभाग से इस बारे में पूछा गया है कि जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो यहां पर उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही जवाब मिल जाएगा, छात्र परेशान ना हो। अब बात करते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में। जस्ट तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो बीएड प्रवेश परीक्षा है उस पर शिक्षा भर्ती में अड़ंगा आ चुका है, यानी कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से अप्रैल में की जाने वाली शिक्षकों की भर्ती अब देरी से होगी, यानी कि देरी से होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा के कारण भर्ती की प्रक्रिया बाधित हो गई है। शिक्षक संघ को आश्वासन मिला है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक के दौरे से पहले शिक्षकों की भर्ती कर ली जाएगी। विश्वविद्यालय में 200 शिक्षकों की जगह 130 शिक्षक ही कार्य कर रहे हैं। 70 शिक्षकों की भर्ती करने के लिए विश्वविद्यालय ने रिक्तियाँ निकाली थी। 20 अप्रैल के बाद भर्ती की जानी थी, लेकिन अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। बताते हैं कि बीएड प्रवेश परीक्षा का जिम्मा विश्वविद्यालय को मिलने से व्यस्तता बढ़ गई है, अधिकारी प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय की ओर सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही है, साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी चल रहा है। इस वजह से भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर कौशल कुमार का कहना है कि नेक के दौरे से पहले शिक्षकों की भर्ती होगी, विश्वविद्यालय इस पर काम कर रहा है, उन्हें भी यह आश्वासन दिया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो मिलता है कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।